नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में जिस तरह से हालात हैं उसे देखते हुए कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। 18 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू है, लेकिन प्रदेश में कोरोना अभी भी काबू में नहीं आया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कोविड कर्फ्यू को हफ्ते भर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जो कोविड कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू मैं कहूँगा, तो इसको हम लोग फिर आगे हो सकता है कि 7 दिन तक के लिए और आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम ने कहा कि अभी इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना ग्रस्त मरीजों के बच्चों और परिजनों के लिए अस्पतालों के आसपास के होटल और संस्थानों में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है। सब वेव आएगा, थर्ड वेव होगा, उसके लिए अभी से हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। और मैं कह सकता हूं कि उस समय हमारे पास पूर्ण तरह तैयारी और हम लोग अपने आप में सक्षम होंगे। साथ में ही हॉस्पिटल के अगल बगल कुछ संस्थान और होटल्स, ये हमने कह दिया डीएमओ को, और मैंने सीधा सीधा कहा कि उसकी तैयारी भी आप अभी से रख लें। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का। मेरे सहयोगी रवि कंतूरा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड में नजर आ रही है, क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं और अभी से तैयारी की जा रही है, तो क्या जमीन पर मुकम्मल तैयारियां नजर आ रही हैं? जी प्राची, देखिए अभी तो फिलहाल जो दूसरी लहर उत्तराखंड में आई है ये काफ़ी जो है घातक भी है और चिंताजनक भी है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों के अगर हम बात करें तो लगातार अब यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना कर्फ्यू है वो भी 18 मई की सुबह तक लगाया गया है और एक हफ्ते अब इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इसमें और ज़्यादा सख्ती के साथ इस कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि जो शादी समारोह हैं उनमें जितने भी लोग हैं वो उनके आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही शादी में अनुमति मिलेगी और ऐसे सिर्फ 20 आदमी ही हो सकेंगे। जहाँ तक अभी तक की बात है तो इस समय भी उत्तराखंड इन सभी परिस्थितियों से जूझ रहा है। लगातार जो मौतें हैं वो बढ़ रही हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार है और अभी बिल्कुल भी स्थिति काबू में नहीं है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें तो कुछ मामलों में कमी ज़रूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मौतें लगातार और ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में अभी इस जो संक्रमण है, जो स्थिति है, इन सब स्थितियों से निपटना है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद आज ये कहा है कि इस वक्त जो है लगातार मदद मिल रही है, तमाम जगहों से मदद इस वक्त उत्तराखंड को मिल रही है और ऐसे में वो पूरी तरीके से इस स्थिति से भी निपटने के लिए तैयार हैं। और अगर होता है भविष्य में अगर ये कोविड का संक्रमण दोबारा आता है, जिस तरीके की आशंकाएं हैं कि तीसरी जो लहर आएगी उस समय भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उस समय उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। लेकिन हाँ, अभी इतना ज़रूर है कि जो अभी की स्थिति है उत्तराखंड में वो बेहद चिंताजनक है, नाजुक है और लगातार जो है लोगों की मौतों का जो आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिस ओर ध्यान देना होगा। जहाँ तक पहाड़ों पर कोरोना का सवाल है तो वहाँ पर भी न्याय पंचायत स्तर पर अभी निर्देशित किया गया है कि जिन भी लोगों को अगर ये शिकायतें हैं कि वो बीमार हैं, गाँव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएँ, होम कलेक्शन करें ताकि सैम्पलिंग हो सके, लोगों को उनको समय अनुसार जो है और समय रहते जो है इलाज मिल सके। तो इन तमाम चीज़ों पर फोकस है, लगातार फोकस गवर्नमेंट कर रही है। अभी स्थितियाँ ख़राब हैं कि अभी कर्फ्यू को जो है कम नहीं किया जा सकता, अभी 7 दिन का बढ़ाया जाएगा। संभावना ये भी कि अभी लगातार जो है मई का पूरा महीना इस तरीके से रह सकता है। तो कोशिशें हैं प्राची, इन कोशिशों के बीच जो है लगातार लोग भी कोशिश कर रहे हैं, एहतियात बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लगातार सरकार भी सजग नजर आ रही है और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि हालात पर काबू कब तक पाया जाएगा और तीसरी लहर के लिए क्या मुकम्मल तैयारियां की जाएंगी। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के लिए लगातार मदद कर रहे हैं। बलूनी की कोशिशों से पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग को 50 लाख रुपए की धनराशि से कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कोरोना काल में मरीजों को काफी फायदा होगा। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कुछ ऐसे भी हैं जो 20 बेड को कवर कर सकते हैं। ये पौड़ी के साथ ही चमोली और रुद्रप्रयाग के मरीजों के लिए काम आएंगे। आपको बता दें कि बलूनी इस कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों की मदद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात से भी ऑक्सीजन मंगवाकर उत्तराखंड भिजवाई थी।
श्री अनिल बलूनी जी द्वारा हम लोग को जो है 50 लाख रुपए का धनराशि का सामग्री क्रय करने का अनुमति दिया था। उसी धनराशि से हम लोगों ने 40 इक्विपमेंट्स क्रय किया है, उसमें से 10 इक्विपमेंट जो है वो 10 लीटर कैपेसिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जो कि काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हैं। साथ में 30 इक्विपमेंट्स वो हैं जो 5 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने दिया हुआ है। वहीं रुड़की क्षेत्र में शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना से दहशत है। ग्रामीण इलाकों में खासकर खांसी, बुखार और गले में दर्द की शिकायत है। ज्यादातर लोग लोकल डॉक्टर से दवाइयां लेकर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में ना तो कोरोना टेस्ट की कोई खास सुविधा है और ना ही लोगों को ये ठीक से जानकारी है कि कोविड का टेस्ट कराएं कहां। अकेले लाबरहेड़ी गांव में पिछले 2 हफ्ते में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 लोग कोरोना संक्रमित थे। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में 80 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है, इसके अंदर 14-15 हज़ार की आबादी है और पिछले कुछ दिनों में यहाँ 30-35 मौत हुई है। कुछ उनमें से ज़्यादातर नेचुरल डेथ है और शायद कुछ उनमें कोरोना इफेक्टेड भी है। बुखार खांसी है बहुत लोगों को है और कुछ लोग डर भी रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ा गांव है, नियर अबाउट 20,000 के आसपास पॉपुलेशन है वहाँ की, तो 2 वीक में 15 से 17-18 लोगों की डेथ सामने आई है, जिसमें से कि काफ़ी ओल्ड एजेज लोग भी है। खुद आज सुबह प्रातः ग्राम प्रधान जी से भी वार्ता हुई है और आज प्रॉपर गाँव में सैनिटाइज चल रहा है, तो सभी के द्वारा भी ये भी अवगत कराया गया कि सर विद इन 2 वीक्स में जो 15-16-17 लोगों की डेथ हुई है उसमें कुछ लोग नेचुरल डेथ भी है और कुछ लोगों को खांसी बुखार की शिकायत थी। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपवास पर रहे। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियां पुख्ता नहीं है। अब तो कोरोना प्रदेश के गांव-गांव तक फैल चुका है। सरकार अगर वक्त रहते ध्यान देती तो ऐसी नौबत क्यों आती। हरिद्वार के कोविड हॉस्पिटल में 65 कोरोना मरीजों की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि अस्पताल में इन मौतों की सूचना को प्रशासन से छिपाया। 25 अप्रैल से 12 मई के बीच हुई इन मौतों की कोविड कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी गई। राज्य सरकार के कोविड कंट्रोल के नोडल अधिकारी ने हॉस्पिटल और CMO हरिद्वार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। इसमें जब भी कोई डेथ होता है उसके बाद डेथ ऑडिट भी जो है एक टाइम के अंतर्गत होना चाहिए, मगर उसमें जो है किसी डॉक्टर का अवकाश में होने के कारण उसको तत्काल जो है संकलन ना कर पाने का सूचना मिल रहा है, तो इसको जो है सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए जो है निर्देश दिया है। उधर पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की वजह से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना से अब तक 51 मरीजों की मौत हुई है। तो पिथौरागढ़ में लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है। एक और मौत अब पिथौरागढ़ में हो गई है। 3 मौत अब तक कोरोना की वजह से हुई है और अगर टोटल की बात करें तो 51 मरीज अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले में कुल मौतें 51 हुई हैं कोरोना की वजह से और अभी ताजा 3 मौत और हुई हैं। यानी पिथौरागढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है, लोग परेशान हैं। हालांकि लगातार इस संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है, संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और CM तीरथ सिंह रावत ने ऐसे लोगों से मदद की अपील की है जो मदद करने में सक्षम है। CM का कहना है कि उत्तराखंड को अलग अलग संस्थाओं की तरफ से मदद मिल रही है। दिल्ली की एक संस्था ने जहां 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर राज्य को भेजे हैं, वहीं हेमकुंड फाउंडेशन ने भी 50 ड्यूअल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। और हमारे मंत्री गणेश जोशी के तत्वाधान में ये 40 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्राप्त हुए हैं और इनको हम अभी सीधे पहाड़ के ज़िलों में भेज देंगे। यहाँ भी इन्होंने बहुत सारा दिया हुआ है, कई तरह के ऑक्सीजन
शायद प्लांट में भी इन्होंने मदद की, और भी इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे जो सत्संग जो परिसर है वहाँ भी आप कोविड सेंटर खोल सकते हैं। मसूरी में 18 प्लस लोगों की वैक्सीनेशन का काम एमपीजी कॉलेज के परिसर में शुरू कर दिया गया है, जिससे युवा काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसके बाद वैक्सीनेशन होने से बड़ी राहत है। मंत्री रानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मसूरी में वैक्सीनेशन 18 प्लस की जो शुरू हुई है, बहुत अच्छा प्रयास है कि काफ़ी समय से लगे हुए थे हम लोग कि कब वैक्सीन लगेगी, परंतु यहाँ पर शुरुआत नहीं थी, आज से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों में लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रुद्रप्रयाग में टेलीमेडिसिन की शुरुआत होने जा रही है। टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के लिए धून मेडिकल कॉलेज, हेल्पेज इंडिया, जन शिक्षा समिति मिलकर सहयोग करेंगी। कार्यक्रम में पहले चरण में आशा वर्कर, मेडिकल स्टोर संचालकों और ग्राम प्रधानों को मरीजों को प्राथमिकता स्तर पर दवाइयां देने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे गाँव में ही कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन के दौरान दवाइयां मिल सके। अपने विधानसभा के हर गांव में, विधानसभा ही नहीं बल्कि हम तो रुद्रप्रयाग जिले की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दो काम हम इसमें कर रहे हैं। एक तो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं जो बेसिक ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, इनकी सब ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें आशा वर्कर हैं, जो फार्मेसिस्ट दुकान खोलते हैं, जो हम जिनको हम केमिस्ट कहते हैं, केमिस्टों की हो गया, प्रधानों की हो गया, हम ऐसी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन कि उनको दवाइयों का ज्ञान हो और गाँव में ही आदमी को आइसोलेशन में रह करके दवाइयाँ मिल पाएँ। पौड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी के कारण 45 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक लग रहा कोविशील्ड का टीकाकरण जिले में वैक्सीनेशन की कमी होने के कारण प्रभावित हो गया है। यहां वैक्सीन खत्म होने के चलते जिन अस्पतालों में टीकाकरण किया जा रहा था वहां फिलहाल 45 साल और इससे अधिक की उम्र के लोगों का टीकाकरण नई खेप मिलने तक रोक दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि जैसे ही वैक्सीन की खेप उन्हें मिलेगी फिर से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ये कि नई खेप जो है वैक्सीन की 45 प्लस के लिए अभी हमें नहीं उपलब्ध हो पाई है, तो कुछ जगह पे जो हमारी रिमोट के जो PSC SPSC हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन कम रहती है वैक्सीनेशन, वहाँ तो अभी हमारे पास डोज बची हुई है, लेकिन जो बड़े सेंटर हैं जैसे श्रीनगर हो गया, पौड़ी हो गया, कोटद्वार हो गया, वहाँ 45 प्लस के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी हम जानकारी उसके सोशल मीडिया के माध्यम से भी देंगे और हमने वहाँ सभी जगह नोटिस भी चस्पा करवा दिए हैं कि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फिर भी किसी को जानकारी लेनी है तो हमारा कोविड कंट्रोल रूम है, उससे जानकारी इस बारे में ले सकते हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वहाँ पर सेशन लगवाना आरम्भ कर देंगे। पिथौरागढ़ जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुपाल ने डीडीहाट मुनस्यारी तहसील के सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स की स्थिति का निरीक्षण किया। बिशन सिंह चुपाल ने कहा कि जिले में 74 और वैक्सीनेशन सेंटर प्रभावित हैं। और 74 अभी प्रस्तावित है, इसलिए पूरे जनपद में 107 वैक्सीनेशन सेंटर काम करेंगे। बहुत जगह से अभी भी लोगों के मांग आई है कि हमारे क्षेत्र में भी थे, फिर उस क्षेत्र में नेटवर्क होगा तो उस क्षेत्र में भी हमारी वैक्सीनेशन सेंटर बिठा के उसका प्रस्ताव भी हम शासन को भेजेंगे। रुद्रप्रयाग के कई गांव में वायरल फीवर से लोग परेशान हैं। कोरोना के भय से लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। जो लोग अस्पताल उपचार के लिए आना चाहते हैं उन्हें कोई वाहन लाने के लिए तैयार नहीं है। समय पर बीमार लोगों को उपचार नहीं मिला तो अनहोनी भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों के लिए 12 टीमें बनाई गई हैं जो नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में शहरी इलाकों से लौटे प्रवासियों के साथ ही ग्रामीण जनता खासी परेशान है। सैंपलिंग के लिए, बल्क में सैंपलिंग के लिए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं। हमारी वर्तमान में 12 सैंपलिंग टीम्स जो है उनका प्रयास ये रहता है कि अलग अलग गांव में पहुँचें, और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा डेली का जो सैंपलिंग है रेट वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में ज्योग्राफी की वजह से एक साथ में कई सारे गाँव टेकअप नहीं किए जा सकते, एक गाँव में जाके दूसरे गाँव में जाना वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनका एक रोस्टर बना लिया गया है जिसके माध्यम से टीमें भिजवाई जा रही हैं। ये अभी ऐसा है कि अभी जो हमारे बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो अगर वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तब तो ठीक है, जो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं उनका हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारा एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट भी साथ साथ आ जा रही है हमारी।
अपर निदेशक एनएचएम बंशीधर तिवारी ने खटीमा में प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कोरोना से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। मीटिंग में विधायक पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से कोविड बेड बढ़ाए जाने, इलाज के दौरान आने वाली परेशानियों समेत दूसरी कई जरूरी चीजों को लेकर चर्चा हुई। जो हमारे यहाँ पर समाज में जो कोविड का हॉस्पिटल चल रहा है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और उसमें कुछ स्टाफ कमी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए और फिर हमारे जो दवाइयाँ शॉर्टेज हो रही हैं, इस समय में दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, हिटेरन नहीं मिल पा रही, इन सबकी उपलब्धता कैसे हो उसको सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं हमने इसको कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है खटीमा हमारा जो सीएससी है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने हैं, कुछ सुविधाएं उसमें बढ़ानी है, तो क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर के बैठक की गई थी जिसमें डिस्कशन किया गया। माननीय विधायक भी उपस्थित हैं, तो हम लोग आवश्यक सुविधाएँ जुटाते हुए इसमें 50 बेड और बढ़ाकर 70 बेड तक ले रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मोटर टैक्स में छूट देने की तैयारी की जा रही है, जिससे राज्य सरकार पहले चरण में 3 महीने का टैक्स माफ किया जा सकता है। इस बारे में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है और ये माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक सरकार इस बारे में कोई फैसला ले सकती है। विनम्र निवेदन है कि कम से कम 2 साल का टैक्स में छूट दी जाए और आर्थिक पैकेज देना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग अपने घर चलाने के लिए बड़े परेशान हैं। लोग कोई कुल्ली का काम कर रहे हैं, कहीं लेबर काम कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, लोग ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान हैं, कई लोगों की नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास, कई लोगों की गाड़ियां सड़ रही खड़ी खड़ी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये रोड टैक्स के साथ साथ आर्थिक पैकेज भी दिया जाए। हरिद्वार के बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इस दौरान बैरागी अखाड़ों की तरफ से किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से हटवा दिया गया था, मगर इससे लेकर बैरागी अखाड़ों के संत आक्रोशित हैं। बैरागी अखाड़ों के संतों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया। प्रशासन का कहना है कि बैरागी अखाड़ों को नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जबकि बैरागी अखाड़े के संत कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। शासन प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन कहने मतलब कि हम यहाँ बनाए हैं या यहाँ कब्जा जमाए तो हमारी पुरानी धरोहर है, कुंभ मेला क्षेत्र की भूमि है, हम उतना ही अतिक्रमण किए हैं जितना जो प्रशासन ने पैसा दिया था और हम भविष्य में कुंभ मेला लग सके ऐसी हम अपनी व्यवस्था बनाए थे। इसके लिए बनाए थे कि बैरागी कैंप जो है पूरा बैरागियों का है और कुंभ मेलों का है, कुंभ मेला के लिए आरक्षित भूमि है, तो वहाँ हजारों लाखों की मात्रा में अतिक्रमण हो गया, इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कल सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग भी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार आम श्रद्धालुओं को चार धाम के दर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए मंदिरों को के कपाट को भी सादगी के साथ खोला जाएगा। सिर्फ कुछ तीर्थ पुरोहितों को ही केदारनाथ धाम जाने की इजाजत है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने हैं, जो कि विधि विधान से मंत्रोच्चारों के द्वारा सुबह 5 बजे भगवान के कपाट खोल दिए जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ गाडूघड़ा यात्रा बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के नेतृत्व में पांडुकेश्वर के योग ध्यान मंदिर पहुंची। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए स्थानीय श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नरसिंह मंदिर में महिलाओं ने भगवान के मंगल गीत और भजन गाए। नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने नेतृत्व में पंच पूजा सहित दूसरी पूजाएं किए जाने के बाद शंकराचार्य की गद्दी डोली और तेल कलश पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री विशाल में पहुंचा। यहां पर रात्रि विश्राम के बाद सोमवार की सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान उद्धव और कुबेर के उत्सव टोली भी इस यात्रा में शामिल होकर बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 18 मई को सुबह 4:15 ब्रह्म मुहूर्त और पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे।
चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की उत्सव टोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से रवाना हो गई। गोपेश्वर से रुद्रनाथ तक 24 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद टोली सोमवार को भगवान रुद्रनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां विधि विधान के साथ रुद्रनाथ के कपाट खोले जाएंगे। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख भाग के दर्शन होते हैं। कोविड की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने टोली के साथ चल रहे 20 लोगों को ही रुद्रनाथ जाने की इजाजत दी है। सोमवार सुबह 5 बजे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उधर गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही तीर्थ पुरोहितों ने सबसे पहले मां गंगा से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की। इसके लिए मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कोविड महामारी की वजह से आम श्रद्धालुओं को फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन की इजाजत नहीं है। सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही पूजा अर्चना और मंदिर की परंपराओं से जुड़े बाकी काम करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।